नमस्कार, आप देख रहे हैं रोमाना की राय। मैं हूं रोमाना इसार खान। बिहार चुनाव पर आज बात करने आई हूं। बिहार में एनडीए से अपना वास्ता ताल्लुक खत्म कर चुके हैं चिराग पासवान। जी हां, बिहार में चुनाव में एनडीए में बीजेपी है, जेडीयू है, हम हैं और वीआईपी है। ये चार दल एनडीए के कोटे से बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और चिराग पासवान इनसे अपना रास्ता अलग कर चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने रास्ता अलग करने के साथ साथ जमकर वार करने भी शुरू कर दिए हैं और उनके निशाने पर सीधे नीतीश कुमार हैं। मैं नहीं मानता कि सात निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है। अगली सरकार के लिए भी उन्होंने सात निश्चय पार्ट टू की उन्होंने घोषणा कर दी। जब उन्होंने घोषणा एक बार कर ही दी तो मेरे लिए उसके बाद कोई विकल्प बचा नहीं था। मैं अपने एजेंडे से मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। दरअसल देखिए, नीतीश कुमार की जिस सुशासन बाबू वाली छवि को भुनाने की जुगत में एनडीए है इन बिहार चुनाव पर, चिराग पासवान उसी सुशासन वाली छवि पर सीधे हमले बोल रहे हैं। वो कहते हैं ना, कमजोर नफ्स तलाश कर एनडीए की चिराग उसी पर वार कर रहे हैं। आपकी सोच जब सैचुरेट हो जाती है, आप नली गली से ऊपर आप सोच ही नहीं रहे। आज देखिए, देश दुनिया तो भूल ही जाइए, दुनिया तो किस पैमाने पे जा रही है, देश किस मापदंड पे विकास की तुलना कर रहा है और आप सिर्फ नली गली पे अटके हुए हैं। वैसे इस सब में दिलचस्प ये है कि ये जो हमलावर अंदाज चिराग पासवान का नजर आ रहा है नीतीश कुमार के खिलाफ, मतलब जितने तीखे चिराग पासवान नीतीश के लिए नजर आ रहे हैं, उतनी ही नरमी चिराग पासवान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नजर आ रही है। वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी से तो उनका दिल का रिश्ता है, पाखंड की उनको जरूरत नहीं है। हम लोग का समर्थन केंद्र में, केंद्र की तमाम नीतियों में और प्रधानमंत्री जी के विचारों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। उसमें मुझे ये लोग जरूर कह सकते हैं कि फोटो मत लगाइए, ये मत लगाइए। कौन लगा रहा है फोटो? मुझे लगाने की जरूरत क्या है फोटो? मैं उनके विचारों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मुझे तस्वीर दिखा के कोई इसका पाखंड करने की जरूरत नहीं है, कोई इसका दिखावा करने की जरूरत नहीं है। जिनके दिल नहीं मिले हुए शायद उनको तस्वीरें दिखाने की जरूरत है, बट मुझे ना प्रधानमंत्री जी की तस्वीरें दिखाने की जरूरत है। उन्हीं से प्रेरणा लेकर आज मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के मिशन पर मैं निकला हूँ। चिराग का मोदी के लिए प्यार और नीतीश पर हमला, बीजेपी दरअसल इसको एनडीए में फूट डालने की कोशिश करार दे रही है और साथ ही साथ सुशील मोदी की तरफ से यहां तक कहा जा रहा है कि चिराग पासवान तो दरअसल सीटों के लालची हैं। इस चुनाव में वो एक वोट कटवा के तौर पर उभर रहे हैं और कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और हम और वीआईपी पार्टी का गठबंधन है, मिलकर हम काम कर रहे हैं और लोक जनशक्ति पार्टी इस समय वोट कटवा की स्थिति में बिहार के अंदर चुनाव लड़ रही है। वैसे सुशील मोदी की नजर में वो चिराग का जो सीटों का लालच है ना, वो चिराग पासवान उसे अपना अधिकार बता रहे हैं। और मेरी लड़ाई जो बार बार कहा जाता है कि ज्यादा सीटों के लिए दबाव की राजनीति कर रहे हैं, ज्यादा सीटों के लिए दबाव की राजनीति कर रहे हैं, मैं अगर अपने हक की सीटें मांग रहा हूँ, जो मैं 2015 में लड़ा वो सीटें मैं मांग रहा हूँ, अगर मैं उससे ज्यादा मांगता तो बोला जाता कि मैं ज्यादा सीटें मांग रहा हूँ। देखिए, चिराग पासवान जो है वो इतने पर ही नहीं रुक रहे। चिराग पासवान ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि एलजेपी के कैंडिडेट को जो एक एक वोट जाएगा ना, वो दरअसल बिहार में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार बनाने के काम आएगा। लेकिन चिराग पासवान के इन्हीं दोहरे मापदंड को कि चिराग मोदी जी का नाम तो भुना रहे हैं और नीतीश पर हमलावर हैं, नीतीश किस तरीके से चिराग पासवान को आईना दिखा चुके हैं, जरा ये भी देखिए। चिराग पासवान जी अभी जो राज्यसभा में पहुंचे तो बिना जेडीयू के मदद के पहुंचे, आप जरा बताइए तो कै गो सीट है बिहार विधानसभा में? दो है ना, तो बीजेपी ने और जेडीयू ने तो टिकट दे करके राज्यसभा पहुंचा है। तो ये सब बात जो कोई बोलता रहता है, हमको उसे क्या मतलब है? तो हम लोग तो सब दिन से सहयोग करते रहे, अब कोई की मन में क्या बात है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और उसका एक पक्ष जो का उसके बारे में तो आप लोग बता दें। देखिए, 28 अक्टूबर को बिहार में पहले चरण का मतदान होगा। कुल तीन चरणों में बिहार में मतदान होना है, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, फिर 7 नवंबर और 10 नवंबर नतीजों का दिन है। लेकिन अभी से जिस तरीके की अब ये सियासी बिसात बिहार में बिछ रही है, जिस तरीके की सियासी बयानबाजी अब नेताओं की सामने आ रही है और अब खुलकर जो आक्रामक अंदाज बीजेपी के नेता चिराग पासवान के लिए अपना रहे हैं, उससे ये साफ है कि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चिराग पासवान को उनकी राजनीतिक जमीन तलाशने देने के बिल्कुल मूड में नहीं है।
तो अगर चिराग पासवान की रणनीति ये है कि साहब बिहार के अंदर अब एक तरीके से जो पॉलिटिकल वैक्यूम है वो उसमें अपने पैर जमाएं, क्योंकि अभी तक तो कहीं ना कहीं वंशवाद की बात जब होती है तो रामविलास पासवान और सीधे चिराग पासवान, और ये कह दिया जाता है कि बड़ी आसानी से चिराग पासवान जो हैं वो सत्ता के गलियारे तक पहुँच गए, तो कुल मिलाकर अब चिराग पासवान को खुद ये बताना है कि अपने पिता की छाया से निकल कर उनमें कितना दम, वो कितने बड़े नेता हैं, और उसी के लिए ये पूरी कवायद फिलहाल चिराग पासवान की नज़र आ रही है, जिस तरीके की पोस्चरिंग वो नीतीश कुमार के खिलाफ करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के साथ खुद को खड़ा दिखाना चाहते हैं। पर जैसा कि मैंने पहले कहा, मेरी राय में बीजेपी को ये कतई मंजूर नहीं है, इसी वजह से बीजेपी आक्रामक अंदाज में चिराग पासवान को कम से कम मोदी के नाम पर अपनी जमीन तलाशने देने के मूड में बीजेपी नहीं है।